हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और बच्चों, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा हल्का सा लेंथी पड़ता है बच्चों को समझने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है। एक्चुअली बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लीजिए ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो सकता है, जहां ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। मान लीजिए ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो सकता है, जहां यहां चार्ज क्यू वन है, यहां क्यू टू है, यहां क्यू थ्री है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, यहां सबके बीच की डिस्टेंस ए है। यह सिस्टम ऑफ चार्ज ये हो सकता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए क्यू वन चार्ज यहां रखा है, क्यू टू चार्ज यहां रखा है, क्यू थ्री चार्ज यहां रखा है, क्यू फोर चार्ज यहां रखा है। तो मैंने ये तीन सिस्टम ऑफ चार्ज दिखाए कि इसको बनाने में, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसको बनाने में या इसको बनाने में या इसको बनाने में या किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को, ये चार्ज का सिस्टम है ना, देखो यहाँ चार चार्ज से बना हुआ ये बॉक्स है, तो इसको क्या बोल दिया, चार्ज सिस्टम। ये दो चार्ज से बना हुआ है, ये तीन चार्ज से बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बच्चों, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, या कह सकते हैं कि जितना काम करना पड़ता है इसको बनाने के लिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। और बच्चों, आप हमने इससे पहले पढ़ा है कि वर्क डन इनफाइनाइट, देखो ऐसे तो ये बना नहीं होगा हमारे पास सिस्टम, कहीं ना कहीं इंफिनिटी से ये चार्ज आया आता है हमेशा, जैसा हमने अजम्पशन माना है, ठीक है। तो वर्क डन यहां कौन सा, मैंने बोला ना पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, तो यहां कौन सा वर्क डन होगा, वो वर्क डन होगा जो इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट तक लेकर के आता है। जैसे मानिए ये चार्ज था, यहाँ कोई और चार्ज अजम्पशन मत कीजिए, आप सोचिए सिर्फ ये पहला एक चार्ज है, ये कहीं इन्फिनिटी पे चारों चार्ज रखे हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर। सबसे पहले तो क्यू वन चार्ज आएगा, ये तीनों भूल जाइए, इसको लाने में जितना काम करना पड़ेगा, प्लस फिर क्यू टू चार्ज आएगा, क्यू टू को इसके अगेंस्ट लाने में जितना काम करना पड़ेगा, प्लस फिर क्यू थ्री चार्ज आएगा, इसको लाने के लिए इसके और इसके अगेंस्ट जितना काम करना पड़ेगा वो, प्लस जब हम क्यू फोर चार्ज लेकर के आते हैं फिर इसको इन तीनों चार्ज के अगेंस्ट लाने में काम करना पड़ता है। तो यहाँ टोटल वर्क डन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर, ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, हमेशा हमें पता है VA माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, यही तो वर्क डन था जो चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम कर रहे थे। क्लियर है। तो बच्चों, ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन है जिससे जिससे आपको मदद मिलेगी आगे इसको समझने में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी और वर्क, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इस सिस्टम ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो इसको हम वी ए, मान लीजिए दो, हमें किसी चार्ज को किसी ए पॉइंट पर लेकर के आना है और उसकी पोटेंशियल कितनी है, वी ए है,
कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से। W इज इक्वल टू क्यू, हमें पता है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को क्या मानते हैं, जीरो। तो बच्चों W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V A को मैं मान लेता हूं V, ठीक। तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू, ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जहां से हम सभी चीजें फाइंड करेंगे। ये लिखिएगा आप, ठीक है ना यार, ये भी बना लीजिएगा इधर, ये मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, वी ए है, ठीक, या वी मान लीजिएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, वी है, और इन्फिनिटी पर कोई चार्ज क्यू नोट है, इसको यहां तक लाने में जो काम कर रहे हैं वो ही इसकी इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा इसके बाद। अब बच्चों इसको वेक्टर मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इनफिनिटी पर कौन कौन से चार्ज है हमारे पास, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, कहां है, इनफिनिटी, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू कैरी ए चार्ज क्यू वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन आर वन, इन्फिनिटी से आर वन पोजिशन तक लेकर के आते हैं। और बच्चों ये आर वन पोजिशन क्या है, मैंने ये मान ली जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, क्लियर। यहां इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल मान लेता हूं प्यारे बच्चों, अभी तो यहां कुछ है ही नहीं तो इसकी पोटेंशियल मानना उचित नहीं है, ठीक है। तो यहां से यहां तक इस कर लेकर के आए, चलिए लेके आ गए, तो ये कितना हो गया यहाँ, प्लस के ऊपर, ठीक। अब बच्चों ध्यान से सोचने वाली बात ये है, क्या यहां पर इससे पहले कोई चार्ज था या ये स्पेस फ्री ऑफ चार्ज था, क्योंकि ये स्पेस फ्री ऑफ चार्ज था इसीलिए इसको यहां से यहां तक लाने में कोई भी वर्कडन नहीं करना पड़ेगा। यहां टोटल पोटेंशियल एनर्जी में मान लेता हूं यू वन, वो कितनी हो जाएगी, जी, समझ रहे हो, क्योंकि जब इसको यहां से यहां तक लाने में कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, जीरो। और जब डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल हमारी यू वन मैंने मानी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ पोटेंशियल एनर्जी टू कैरी ए चार्ज क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन आर टू, ठीक। पहले यहां मैंने पोजिशन वेक्टर आर वन माना था, इस बार मैं पोजिशन वेक्टर क्या मान लेता हूं, आर टू, ये मान लीजिए आर टू है पोजिशन वेक्टर। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर टू, यहां मैं किसको लेकर के आया, क्यू टू। बच्चों अब ध्यान देने वाली बात है, जब मैं इसको यहां से यहां लेकर के आऊंगा तो ये जो चार्ज है इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, जब इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा
तो ये चाहेगा ये ना आए, जब ये चाहेगा कि ये ना आए तो इसको यहां लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, और वो वर्क डन कितना होगा हमें पता है, W इक्वल टू V इंटू क्यू हमने पढ़ा है, ठीक है। मान लीजिए इसके कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रही है वो कितनी है V1, तो U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1, या V1 की जगह बच्चों हम इसको मानते हैं यहां पोटेंशियल V R1, ठीक है, इसके तो क्योंकि इसके इसके कारण पोटेंशियल V और यहां जो पोटेंशियल होगी इसकी वो ओरिजिन से डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर की कितनी है R1 है, इसलिए हमने क्या मान लिया VR, तो यहां बच्चों ये कितना हो जाएगा VR1 into plus Q, या हम लिख सकते हैं इसको Q2 into VR, ये बच्चों हमारे पास U2 की वैल्यू आ गई और ये वाला चार्ज भी हमारे पास आ गया था, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने पहले बताया था यहां समझना थोड़ा सा हल्का सा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि इसको कैसे आसानी से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, दो चार्ज आ गए हमारे, अब हम थर्ड चार्ज को भी लेकर के आएंगे। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू कैरी ए पॉइंट चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू अप टू पोजिशन R3, ठीक है। इस बार एक पोजीशन वेक्टर मैं यहां मान लेता हूं, इसकी जो डिस्टेंस बच्चों दिखा देता हूं यहां से, ये R3 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से सोचिएगा, जब मैं इस Q3 चार्ज को यहां लेकर के आऊंगा, इस बार इसको यहां आने से रोकने के लिए दो दो चार्ज हैं, ठीक है ना, ये सारे कैसे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको आने से रोकना चाहेगा, ये भी इसको आने से रोकना चाहेगा, तो इस बार बच्चों जो इसको यहां तक लाने में वर्क डन हमें करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी, जो हमने पहले हमारे पास आई यू जीरो कितनी आई थी जीरो, और बच्चों U1 हमारी कितनी आई थी V R1 into Q, ये आई थी, ठीक है ना, या ये हमने V1 मानी थी ना, और ये आई थी हमारे पास V U, क्लियर। और जब Q3 को मैं यहां लेकर के आऊंगा बच्चों, तो मुझे इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। अब मैं मान लेता हूं Q1 के कारण बच्चों जो पोटेंशियल है वो कितनी है, ये तो मेरे को पता है V R1, मैंने माना पोटेंशियल due to Q2 is V R2, क्लियर है ना, सभी चीजें आराम क्लियर हो रही हैं। इसके कारण जो पोटेंशियल है वो मैंने मानी V R1, इसके कारण जो पोटेंशियल है वो मैंने मानी V R2। अब यहां से यहां लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, और हमें पता है वर्क डन क्या होता है V into Q। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों मैं वर्क डन को ही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये वर्क डन ही इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्क डन बोला जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा रही है, ठीक है, क्लियर रहना चाहिए कि जो वर्क डन होता है वो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। यहां हम इस बार मान लेते हैं U3, तो बच्चों सबसे पहले तो इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको लिखते हैं, वो हो जाएगी V R1 और Q3, ठीक है,
ठीक है, प्लस अब इसके कारण V R2 into Q4, यहां पर जो Q2 आएगा, ठीक है, ये U3 आ गई हमारे पास। अब अगर नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा U1 प्लस टोटल U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 कितना था हमारे पास? जीरो। U2 कितना था? V R1 into Q2। और बच्चों U3 कितना था हमारे पास में? V R1 Q3 प्लस V R2 Q3। क्लियर है? अब देखो V R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, K R1 किसके कारण है? Q1 के। तो यहां पे Q1 अपॉन, हां अब डिस्टेंस क्या लिखी जाए, अब डिस्टेंस क्या लिखी जाए, ये इंपॉर्टेंट वर्क यहां पर होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगी, क्या इसको R1 2 लिखा जा सकता है क्या? ठीक है ना, 11th में हम पढ़ चुके हैं। ये जो डिस्टेंस होगी, यहां चार्ज Q3 है, ये भी इधर आ गया, यहां ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये R2 3 हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बच्चों R1 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब हमने क्या किया, इसको लेकर के आए तो वो तो जीरो हो गया था, जब इसको लेकर के आए इसके अगेंस्ट तो डिस्टेंस ये वाली लेनी है, बात समझ रहे हो, तो डिस्टेंस ये वाली लेनी है, और यहां डिस्टेंस क्या है R1 2, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इनटू Q2 प्लस, अब हमारे पास कौन सा है, अब इसको लेकर के आए इस वाली पोटेंशियल के अगेंस्ट, समझ रहे हो, तो बच्चों यहां ये जो R1 है यहां क्या हो जाएगा, ये K Q1। अब जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो डिस्प्लेसमेंट हमें ये वाला लेना है, बात समझ रहे हो, ये कितना है R1 3 इनटू Q3 प्लस। अब जो V2 है ये इसके अगेंस्ट है, ठीक है ना, ये जो पोटेंशियल ये इसकी है, ये डिस्टेंस ये वाली लेंगे, तो यहां ये क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन R 2 3, और यहां आ जाएगा Q3। क्लियर है, ठीक है ना, तो इसकी जो टोटल पोटेंशियल निकल करके आई बच्चों वो कितनी आ गई, K Q1 Q2 अपॉन R1 2 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R1 3 K Q2 Q3 अपॉन R2 3, ये इसकी पोटेंशियल है। और बच्चों इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना उन्हें तो 2 सेकंड में करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से फटाफट होते चले जाएंगे वो, लेकिन यहां जब हमारे पास 3D में हम कोई भी चीज लिखते हैं तो वहां ध्यान रखा जाता है वेक्टर्स का, और हर एक पॉइंट को कि यहाँ कौन सी चीज कैसे और कहाँ से आई है, वो चीजें आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये इसका बेसिक्स है और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तब थी जब हमारे पास यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई Q1 चार्ज लेकर आए उसको संभाल के रखा, Q2 लेकर आए, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटर्नल फील्ड, चलिए उसको भी देखते हैं।
फोर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मान लीजिए बच्चों हमारे पास पहला केस है ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बार ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। और यहां मैं कोई पॉइंट मान रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो बच्चों है वो है आर, क्लियर है। और इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल है वो मैं मान रहा हूं वी आर, ठीक। अब मैं मान रहा हूं कि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई पॉइंट चार्ज है जो कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। उसको यहां से यहां तक लाने में जितना काम करना करते हैं वो ही क्या होती है उसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर और प्लस क्यू, या इसको लिख सकते हैं प्लस क्यू इंटू वी आर। और इसी को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड केस की ओर। अब बच्चों मानिए हमारे पास इसी तरह से ये कोई एक थ्री डायमेंशन स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहां पर बच्चों जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों पर वो मैं मान के चल रहा हूं कैपिटल ई, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बच्चों यहां एक पॉइंट ना मान करके दो पॉइंट मानते हैं। एक पॉइंट तो हमने ये माना यहां, एक पॉइंट हमने माना ये यहां, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस है यहां से वो कितनी है, आर वन, सही से बनाते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो R1 है और ये जो पॉइंट है बच्चों वो R2 है। इस फील्ड के कारण इस पॉइंट की पोटेंशियल जो है वो है V R1, ठीक। इस फील्ड के कारण इस पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो होगी V R2, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल क्या होती चली जाती है, वहां डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। इट मींस पॉजिटिव से निगेटिव की ओर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, बात समझ रहे हो। तो धीरे धीरे यहाँ पोटेंशियल भी चेंज होगी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी आर वन है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी आर टू है। अब बच्चों हमारे पास जो इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है वो है प्लस क्यू और माइनस क्यू, मतलब हमें कोई डाइपोल यहाँ पर लेकर के आना, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लस क्यू चार्ज यहां पर लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले केस में जो हमने पढ़ा था वहां कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसीलिए अकेले चार्ज को कहीं किसी थ्री डायमेंशन स्पेस में लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। लेकिन यहां बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इसको यहां लेकर के आ जाएगा तो इसको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो इसे यहां लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा या जो पोटेंशियल हो जाएगी इसकी बच्चों वो हो जाएगी, मान लीजिए U1 है, वो हो जाएगी Q V R, ठीक है। अब मैं ये यहां आ गया, अब मैं बच्चों इसको जब यहां लेकर के आऊंगा, देखो इसको दो फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये जो पॉइंट चार्ज है। पहले इसको इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट काम कराते हैं, तो इसकी पोटेंशियल मैंने मान ली कितनी, यू टू हो जाएगी,
यहां आ जाएगा माइनस क्यू वी आर टू, ठीक है ना। अब बच्चों ये जो माइनस क्यू चार्ज यहां आया, इसको इस वाले चार्ज के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, और मैंने माना इसकी इससे जो डिस्टेंस है वो है 2L। ध्यान से सुनते रहिएगा, बिल्कुल इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2L, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है ये 2L है। अब बच्चों इसको जब इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तो यहां पर पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होगी, एक तो इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल कितनी है यहां पर, ये हो जाएगी के क्यू, ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा के प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन 2L। इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल होगी वो कितनी हो जाएगी, W इक्वल टू V इनटू Q होगी ना, और इसके यहां से V, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L, तो यहां क्या आ जाएगा, बीच की डिस्टेंस 2L आ गई, एक चार्ज K और दूसरा चार्ज माइनस K, ठीक है ना। ये तो पोटेंशियल है इसकी, ये तो बच्चों ये जो है ना ये पोटेंशियल है इस चार्ज की इस पॉइंट पर, जो हमें पता है K के अपॉन R होती है, यहां K कांस्टेंट है, क्यू ये चार्ज है, आर ये डिस्टेंस है 2L, और फिर मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, उस चार्ज की जो हम यहां पर लेकर के आए, तो हमारे पास U3 निकल करके आ जाएगा ये। अगर मैं निकालूं बच्चों तो टोटल हमारे पास इसको थोड़ा U3 कितना आ जाएगा, K क्यू माइनस क्यू अपॉन 2L, तो टोटल कितना हो जाएगा U, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू वी आर वन माइनस क्यू वी आर टू और प्लस या माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इस बार बच्चों क्या कर रहे हैं, फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, ठीक है। इस बार जो हमें डाइपोल लेकर के आ रहे हैं बच्चों, वो ऐसे लेकर के आ रहे हैं, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस। अब यहां ज्यादा ना समझा करके ये सीधा लिख देंगे, बिल्कुल इसी यही वाला होगा ना, अगर ये डिस्टेंस में आर वन पोजिशन वेक्टर और ये पोजिशन वेक्टर में कितना लूं आर टू, तो बच्चों देखो सेम सेम कहानी हो रही है सारी, तो यहाँ यू टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू वी आर वन माइनस क्यू वी आर टू और प्लस या माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L। अब बच्चों यहां जो समझाने वाली बात है वो ये है, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, और बच्चों ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बच्चों ये जो सरफेस है, ठीक है ना, ये जो चार्ज रखे हुए हैं जिस सरफेस पे, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के, या क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये जो सरफेस होगा इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसी होगी, सेम। यहां पोटेंशियल हम कितनी मान के चल रहे हैं, वी आर वन, यहां पोटेंशियल कितनी मान के चल रहे हैं, वी आर टू, तो क्या ये वी आर वन विल बी इक्वल टू वी आर टू होगी। जब ये वी आर वन विल बी इक्वल टू वी आर टू होगी तो बच्चों देखो ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो, समझ में आ रही है, ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू वी आर वन है माइनस क्यू वी आर टू है, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ये देखो
डाइपोल को अगर ऐसे लेकर के आए तो पोटेंशियल एनर्जी ये, डाइपोल को अगर परपेंडिकुलर लेकर के आए तो पोटेंशियल एनर्जी ये। तो बच्चों ये हमारे पास टोटल कंसेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों तरह से कराया, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, दूसरा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चों हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा लेंथी पड़ जाता है समझने में, लेकिन एक दो बार जब इसकी आप अपने हैंड से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। अब इससे भी ज़्यादा ये क्लियर होंगी इसके न्यूमेरिकल से, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज एज शोन इन फिगर। देखो हमारे पास मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे दिया हुआ है, ये यहां चार्ज है Q1, यहां चलो सब सेम मान लेते हैं, यहां भी प्लस Q, यहां भी प्लस Q और यहां भी प्लस Q। और बच्चों ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये आइसोस्केल, इसकी सारी की सारी कैसी हैं, साइड्स इक्वल है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। अब पूछा जा रहा है कि इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। बहुत सिंपल है, एक साथ तीनों चार्ज तो इन्फिनिटी से नहीं आएंगे, पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, बिल्कुल जस्ट इन थ्री स्टेप इसको कंप्लीट करते हैं। कैसे देखिएगा, फोर ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, फोर पॉइंट ए, मतलब कि ए पॉइंट को बनाइए, क्यों चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इन दोनों चार्ज को बिल्कुल भूल जाओ, अभी सिर्फ ये चार्ज लेकर के आना इन्फिनिटी से, जब यहां कोई चार्ज है ही नहीं, किसी के अगेंस्ट कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कुछ भी नहीं, जीरो। फोर पॉइंट बी, अभी इसे भूल जाओ, ये चार्ज हमने ला कर रख दिया है, अब इस चार्ज को लेकर के आते हैं, जब इस चार्ज को लेकर के आएंगे तो इसको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसको नहीं, एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा इसको यहां रोके रखने के लिए, ठीक है ना। तो वो कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास W वर्क डन, या आपको U2 लिख दूं, इसके कारण जो W इक्वल टू VQ है ना, ये हमेशा याद रखना है, V इंटू Q, ठीक। इसके कारण इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, K Q अपॉन A, ठीक है, वापिस उस चार्ज की मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया हमारे पास K Q स्क्वायर अपॉन A, क्लियर। अब फोर पॉइंट C, तो 4.C मतलब इस चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, देखो एक तो इसके अगेंस्ट भी और इसके अगेंस्ट भी, जब मान लीजिए इसके अगेंस्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए इंटू फिर क्यू है, और जब इसके अगेंस्ट करते हैं ये भी डिस्टेंस सेम है यहां पर ए, तो ये फिर प्लस के क्यू अपॉन ए इंटू क्यू, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, के ये हो जाएगा 2k q स्क्वायर अपॉन a, ठीक है ना। अब u टोटल कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, ये हो जाएगा बच्चों 3
क्यू स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है? तो इसके कारण टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। बहुत सिंपल, इसको लेकर क्या है कोई नहीं, देखो ध्यान से ये रखना है, सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी ये याद कर लो हमेशा जीरो होगी। सेकंड को लेकर आए तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, वी क्यू लगा दिया। थर्ड को लेकर आए तो इन दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ा, पहले इसके उसमें वी क्यू लगाया फिर इसके इसमें वी क्यू लगाया, ठीक है ना, आंसर आ गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ फॉर होमवर्क, वो आप लोग करेंगे और उसका आंसर मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हो जाएगा। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस ये बच्चों हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है ना। अब आपको बताना है इस स्क्वायर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।